नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं JP7 न्यूज। जौनपुर जिले के महाराजगंज क्षेत्र के सभी ईदगाहों में माहे रमजान के पाक महीने के खत्म होने के बाद मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ अदा किया और अपने देश की खुशहाली के लिए खुदा से दुआएं मांगी। मेन रोड स्थित कदारिया मस्जिद में मोहम्मद अख्तर शमसुल वारिस, महाराजगंज बाजार स्थित जामा मस्जिद में हाफिज शकील अहमद, राजा बाजार स्थित ईदगाह में मौलाना सादुल्लाह व बहरपुर बरहुपुर स्थित मस्जिद में फजरुल रहमान ने ईद की नमाज अदा कराई। ईद की नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। छोटे छोटे बच्चों ने अपने साथियों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी तथा ईद पर बनी स्वादिष्ट सेवइयाँ, पकौड़े, पापड़ व कई प्रकार के अन्य व्यंजनों का लोगों ने जमकर आनंद लिया। मस्जिदों के पास लगी मिठाइयों, खिलौनों की दुकानों पर भीड़ नजर आई। इस मौके पर महाराजगंज थाना के एसआई वीरेंद्र यादव, वासुदेव और पुलिस कांस्टेबल सहित समस्त ईदगाहों पर शांति व्यवस्था को लेकर भ्रमण करते रहे। कैमरामैन दिलसाद के साथ ओम प्रकाश सेठ की रिपोर्ट। अख्तर हुसैन उर्फ शमसुल, खतीब मस्जिद, खतीब इमाम कादरी मस्जिद महाराजगंज बाजार सड़क वाली मस्जिद के नाम से मशहूर। और ईद के विषय में कुछ आप बताएंगे कि नमाज के विषय में? आज ईद उल फितर का दिन है, हमें बड़ी खुशी और मुसर्रत है। ख़ास तौर से अपनी खुशियां और मुसर्रतें हम उन अपने गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों को भी इसमें शरीक करना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं, क्योंकि ईद का दिन साल भर के बाद हमको मिला है और इसमें हम लोगों ने रोज़े रखे हैं और रोज़े की खुशियाँ उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं और ज़्यादा उनके लिए खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं जो कि रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखते हैं। और इसमें हमारे इलाके के अक्सरीती मुसलमानों का हिस्सा जो है वो रोज़ेदार रहा है और आज इस खुशी में हम आप सब मिलकर शरीक हैं और अपने मुल्क के लिए हम ये पैगाम मोहब्बत देते हैं कि हम अमन सुकून और सलामती के साथ और शांति के साथ इस मुल्क में रहना और जीना चाहते हैं। हम पूरी वफादारी इसके साथ निभाना चाहते हैं और ख़ास तौर से हमारे और भाइयों गैर मुस्लिम भाइयों के साथ साथ जो मामला कभी कभी दरपेश आते हैं, ये मोटी अक्ल की पैदावार है और इस पर ख़ास तौर से अगर अक्लमंद लोग सोचें कि ये मामला आए नहीं,
इसलिए कि रोज़मर्रा का हमारा और गैर मुस्लिम भाइयों का उठना बैठना लेन देन रहना सहना सब हमारा उनके साथ रहता है। और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो मोटी अक्ल रखते हैं, और हम लोग हंसी खुशी के साथ इस मुल्क में जो हमारा अजीज़ वतन और प्यारा वतन है और जिसमें हम जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं फिर उसी मिट्टी में मिलकर हमें हमेशा के लिए सोना और लेटना और जाना है, इसी मुल्क में हमारे ख्वाजा अजमेरी रहते हैं, मखदूम अशरफ रहते हैं और बड़े बड़े हमारे मायदीन रहते हैं, और इसी मुल्क में गंगा जमुना बहती है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी यादगार है जिससे हम दिल की गहराइयों से जुड़े हुए हैं और इन बुज़ुर्गों के साथ। तो हम अपने बिरादरान वतन से और अपने वतन वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमेशा हमेशा ऐसी ईद की खुशियां हम लोगों को मिलती रहे और इस मुसर्रतों में हम अपने गैर मुस्लिम अपने भाइयों और गैर मुस्लिम भाइयों के साथ पूरी तौर से शरीक हैं और हम इस भाईचारगी में उनके साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने में खुशी और राहत में।